आइए दोस्तों, नमस्ते। आज हमारे पास एक घड़ी आया है, ये रिस्ट वॉच आया है। इसके ऊपर नाम लिखा है फेवर लुबा सी चीफ, ऐसा ये घड़ी आज हम अचानक रुका हुआ है। इसको कई सालों से इसको रिपेयर हुआ नहीं था, हाल ही में ये आया है और आज हम इसको खोलकर देखेंगे। इसमें क्या ज़रूरी है, क्या करना बाकी है वो देखेंगे। आइए, इसको कैसे खोला जाता वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें सब रेडी रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, सीखिए औरों को सिखाइए। सबसे पहले हम इसका बैक कवर निकालते हैं, यहाँ रख देते हैं और इसके बाद इसको देखना पड़ेगा इसका खोलने का सिस्टम क्या है। इसमें एक स्क्रू है यहाँ पे, नहीं प्रेस टाइप है, ये स्क्रू टाइप नहीं है, प्रेस टाइप है। इसको इस तरह दबाएंगे तो ये इसका रॉड बाहर आ जाएगा, वाइंडिंग रॉड। यूँ कर दिए, ये घड़ी बाहर आ जाएगा। इसमें काफ़ी धूल है, धूल जमा हुआ है और इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं। अभी इसका जो है रॉड है वापस इसी में हम लगा देते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये हम लोगों का काम पूरा नहीं होगा। अभी हम इसके कांटों को एक पोजीशन में लेके आते हैं, सब एक ही पोजीशन में रहेगा इस तरह। अभी इसको हम निकालते हैं, हमारे पास एक हैंड रिमूवर है, इस तरह चलने वाली टूल है, इससे हमको निकालना है। वो रखिए, ये देखिए, एक बार में सभी कांटे आ जाते हैं, कांटे सब एक जगह डाल दीजिए। अभी इसके डायल के स्क्रू खोलना है हमको, इसके डायल के स्क्रू देखते हैं। डायल के स्क्रू एक भी नहीं है, किसी ने ये चिपका के डाला है, कोई बात नहीं, इसको इसी तरह खोल सकते हैं। ये चिपकाया हुआ है, हम भी इसी तरह इसको चिपकाते हैं। काफ़ी ज़ोर से चिपकाया है इसने, फिर भी हम इसको खोल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये खोल दिए हैं, ये इसका डायल, इसके लेग्स नहीं है, इसके लेग्स सब निकले हुए हैं। डायल यहाँ रख देते हैं और अभी हम सबसे पहले इसका आवर व्हील निकालते हैं और ये सब को यहाँ पे ए ट्रे में डालते हैं हम लोग। ट्रे क्लीन है, ट्रे में डालते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस खोलेंगे हम। हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है यहाँ रेडी, इसका अभी ये कौन सी कैलिबर की घड़ी है वो हम देखेंगे। भले ही इसका नाम फेवर लुबा है, मगर ये फेवर लुबा मशीन नहीं है, इस मशीन का नाम है ट्रेसा AS 2050। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, टू थाउजेंड सिक्स है इसका नंबर, है कैलिबर नंबर 2006 है। इसके ऊपर फेवर लुबा इस तरह नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमको नाम से कुछ मतलब नहीं है, मशीन से मतलब है।
बैलेंस बाजू में रख दिए हैं। अभी हम इसका लीवर खोलते हैं। लीवर खोलने का अच्छा तरीका इस तरह लीजिए, इसका स्क्रू खोल देना है। स्क्रू लूज हो गया, ये स्क्रू इसमें डाल दिए। अभी इसका लीवर, हम लीवर का कॉक निकालते हैं और इसको इस तरह मारते हैं, तो यहाँ पे उसका लीवर भी आ गया है और ये इसका काफ़ी जैम है इसमें, ये घूम रहा नहीं है। अभी देखिए घूम रहा ही है, इसका पूरा अनवाइंड हो रहा है। हाँ, सही ढंग से आप देख सकते हैं, पूरा अनवाइंड होने तक रुकेंगे हम, इसका स्प्रिंग पूरा रन डाउन हो जाएगा तभी हम इसको फिर से खोलेंगे। क्या क्या खोलना है इसमें अभी हम देखते हैं। अभी हम इसको पहले बैरल के ऊपर का स्क्रू खोलते हैं। ये बैरल के ऊपर का स्क्रू, ये रैचेट खोलते हैं, रैचेट खोल दिए, इसी में डालते हैं। ये लीवर जो है बहुत नाजुक चीज़ होता है, इसलिए उसको बैलेंस के साथ रखते हैं अलग। और अभी हम खोलते हैं इसका बैरल के ऊपर का स्क्रू, ये इसमें डाल दिए हैं। ये प्लेट का और एक स्क्रू है, वो खोलते हैं। ये यहाँ डाल दिए। अभी हम इसका प्लेट निकालते हैं बैरल का। ये रहा बैरल का प्लेट, ये इसी में डालते हैं। ये रहा बैरल, इसका बैरल खोल दिए, ये बाहर रखते हैं। अभी हम इसके ट्रेन खोलते हैं, ट्रेन मतलब बाकी का जो इसके सामान है वो सब खोल देते हैं। ये एक स्क्रू है यहाँ पे, ये एक स्क्रू यहाँ पे है, इसके दो तीन कैलिबर आते हैं ये घड़ी के। 1950 एक है, 1950-51 बोलते हैं, एक वो मशीन है, सेम आता है, ट्रेसा नाम से आता था ये घड़ी एक ज़माने में, यही नाम से और यही नंबर का था। अब घड़ी काफ़ी अच्छा चला, नामचीन घड़ी है, बहुत अच्छा मशीनरी बनाया है, मशीनरी में कोई शिकायत नहीं है, स्विस मेड है। ये इसका प्लेट खोल दिए, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी इसके सेंटर सेकंड व्हील खोल दिए हैं हम लोग, यहाँ रख देते हैं। उसके बाद आएगा इसका एस्केप व्हील, ये खोल दिए, ये इसमें डाल दिए। इसके बाद इसका थर्ड व्हील खोल दिए, ये डाल दिए। इसका सेंटर व्हील फिक्स है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस बाजू में जो है ये चिपकाया हुआ जो ये गम है, यानी ये जो एडहेसिव जो इस्तेमाल किया वो काफ़ी ज़्यादा लगाया है, इसको हमको खोलना पड़ेगा, ये सब क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इससे पहले यहाँ का इसका ये व्हील खोलते हैं। ये प्लेट खोलने से इसका एक स्क्रू निकला है, ये यहाँ इसमें डाल देते हैं। और एक स्क्रू रह गया यहाँ पे,
ये खोल देने से इसका कैनन पिनियन फ्री हो जाता है। ये कैनन पिनियन फ्री कर देते हैं, फिर इसका एक प्लेट है यहाँ पे, ये प्लेट खोलना पड़ेगा। ये प्लेट खोल दिए हैं, इसके बाद यहाँ पे इसका कैनन पिनियन है, उससे पहले यहाँ पे इसका इंटरमिटेंट व्हील है या मिनट व्हील बोल सकते हैं। ये इसका कैनन पिनियन और ये इसका सेंटर व्हील, ये भी खोल दिए हैं। अभी देखिए इसमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और उससे पहले बैरल खोल देते हैं। बैरल खोलना है, बैरल थोड़ा गंदा हुआ है, कोई बात नहीं। इसको इस तरह रख के यूँ करोगे, उल्टा रख के, तो ये आ जाएगा, इसका बैरल खुल जाएगा। इसको इस तरह लेके ये इसका बैरल का लिड है, इसमें डाल देते हैं। इसका आर्बर निकाल लेते हैं अभी हम। ये इसका आर्बर है, इसमें डाल दिए। अभी इसका मेन स्प्रिंग हम निकालते हैं। ये रही इसकी मेन स्प्रिंग, आहिस्ता आहिस्ता खोलना है इस तरह, इस तरह खोल लीजिए। ये रहा इसका मेन स्प्रिंग, खोल दिया। ये मेन स्प्रिंग इसका टूटा हुआ है, ओके। ये भी टुकड़ा यहाँ पे रखते हैं। ये है इसका मेन स्प्रिंग। अभी हम इसको, सबसे पहले हम इसका मेन स्प्रिंग क्लीन कर लेते हैं। देखिए इस तरह एक टिश्यू पेपर लेना है, इसमें मेन स्प्रिंग पकड़ना है, इस तरह खींचना है। देखिए टिश्यू पेपर में उसकी गंदगी आ गई है। फिर से एक बार इसको पकड़ते हैं, यूँ क्लीन कर लेते हैं आखिरी तक, और बचा हुआ इस बाजू को थोड़ा क्लीन करके यह यहाँ रख देते हैं। और ये बैरल इसमें हम डाल देते हैं और ये सब यहाँ रेडी है। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्लीन करना है। क्लीन करके फिर हम लोग इसको कैसे असेंबल किया जाता वो बताएंगे। चलिए इसको क्लीन करके लेके आते हैं, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और सब इसके बारे में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और इसको आप लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए मिलते हैं असेंबलिंग वीडियो में।